हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने जो है 69 PT परीक्षा के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत से छात्रों को जो था इंतज़ार था कि BPSC 69 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का डेट तो तय हो गया है, लेकिन अभी तक जो है फॉर्म के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उनके इंतज़ार की जो है घड़ियाँ समाप्त हो गई है और BPSC अपने नियत समय पर जो है PT परीक्षा आयोजित कराएगा। इसी के अंतर्गत उन्होंने PT परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी कर दिए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि BPSC 69 की जो PT परीक्षा होगी उसमें कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, BPSC फॉर्म भरने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या इसमें आपकी PT परीक्षा में कुछ सिलेबस चेंज हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा का सिलेबस तो सेम है जो पिछला 68 का मुख्य परीक्षा हुआ था, क्या 69 परीक्षा में कुछ आयोग ने बदलाव किए हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात आप जैसा कि देख सकते हैं कि एकीकृत 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, यानी एक साथ जो है पहले क्या था कि CDPO का अलग से फॉर्म निकाला जाता था, उसके बाद कुछ और भी पोस्ट थे उसके लिए अलग अलग वैकेंसी आती थी, लेकिन इस बार BPSC ने क्या किया है कि सभी के मिलाकर एक संयुक्त रूप से जो है सम्मिलित रूप से विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें कैसे आप BPSC 69 PT की तैयारी करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर BPSC बिहार लोक सेवा आयोग एकीकृत 69 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें जो है एकीकृत ऐड कर दिया गया है, यानी इसमें एक साथ जो है आपके अलग अलग विभाग के, जैसे आपका मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो है आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें CDPO का पोस्ट भी जोड़ा गया है, इसके अलावा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष वित्त विभाग का जो वैकेंसी आता था उसको भी ऐड किया गया है। तो उसके लिए हालांकि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन पर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि अभी बहुत कम पोस्ट की वैकेंसी आई है और आने वाले समय में इसमें बड़े पैमाने पर और भी वैकेंसी ऐड की जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों के अलग अलग सेवाओं संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों आरक्षण कोटिवार आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचना के अनुसार यहां स्पष्ट कर दिया गया है कि अधियाचना के अनुसार 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और अन्य के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद सेवा निम्नांकित सारणी 1 और सारणी 2 में दर्शाई गई है। तो सबसे पहले 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सारणी 1 के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसमें किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो जिला समादेष्टा यानी गृह विभाग, उसके अलावा राज्य कर सहायक आयुक्त जो बिहार वित्त सेवा आयोग के अंतर्गत आता है, वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत, उसके अलावा अवर निर्वाचन पदाधिकारी ये बिहार निर्वाचन सेवा के अंतर्गत आता है, उसके बाद ईख पदाधिकारी जो गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत बिहार शिक्षा सेवा प्रशासनिक उपसंवर्ग शिक्षा विभाग, अधीक्षक मध्य निषेध जिला नियोजन पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पंचायती राज, हालांकि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी में और भी बड़े पैमाने पर पोस्ट में वृद्धि की जाएगी, इसके अलावा राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत, उसके अलावा प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी। तो इतने इसमें 10 आप देख सकते हैं 10 पोस्टों के लिए जो है विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें टोटल पोस्ट की संख्या 235 है और सभी पोस्ट के लिए यहाँ आप मिनिमम एज देख सकते हैं 20 वर्ष 22 वर्ष 21 वर्ष, यानी आपकी मिनिमम एज यदि 20 वर्ष है तो आप BPSC के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है आप कर सकते हैं, और 20 वर्ष 22 वर्ष और कुछ पोस्ट के लिए 21 वर्ष। इसके अलावा सारणी 2 में ऐसे पोस्ट को दिया गया है जिसके लिए पहले BPSC क्या थी कि अलग विज्ञापन निकालती थी और उसको इसमें मिला दिया गया है, इसीलिए इसका नाम जो है एकीकृत कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत, इसमें आवेदन करने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए। उसके अलावा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष वित्त विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट आता है, इसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक तकनीशियन गृह विभाग आरक्षी। तो इस प्रकार से टोटल जो है 13 पोस्ट के लिए अभी जो है फिलहाल विज्ञापन
जारी किए गए हैं और बाद में बहुत सारे पोस्ट इसमें आने वाले समय में आपके ऐड होने वाले हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। यदि आप BPSC 69 की PT परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो 69 प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना आवश्यक है और बाल विकास परियोजना प्रबंधक जो CDPO का पोस्ट है उसके लिए भी आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। हालांकि इसमें वैकल्पिक विषय में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम और समाज कल्याण LSW। इसमें से 4 में से आपको एक जो है का चुनाव आपको मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा, जैसा कि पूर्व में भी यही क्वालिफिकेशन रहती थी। उसके अलावा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन का जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए आपको वाणिज्य यानी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैथ और स्टैटिक में से एक विषय आपका होना चाहिए, तभी आप वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और को जो है आप ऑप्शन में ले सकते हैं। उसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग होना आवश्यक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इत्यादि यहाँ पर देख सकते हैं। 6 विषय दिए गए हैं जो मैं आपको जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। अब हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंध पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। यदि आप BPSC ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। विशेष शैक्षणिक योग्यता और वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी जो है नहीं होगी। अब बताते हैं कि आरक्षण रिजर्वेशन, तो आरक्षण का लाभ जो है राज्य के प्रचलित आरक्षण नियम के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। यानी कहने का तात्पर्य है यदि आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तभी और यदि आपके पास सर्टिफिकेट है भी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप ऑनलाइन आवेदन फिल करते हैं उस समय यदि आप ऑनलाइन आवेदन में अपना दावा नहीं करते हैं तो बाद में आपको किसी भी स्थिति में रिजर्वेशन का जो है लाभ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात बिहार के मूलवासी है, और आवेदन में दिया गया स्थायी पता आरक्षण के लिए प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो यदि आप जाति के रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बिहार का जो है रेसिडेंटल सर्टिफिकेट जो है देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जो है जमा करना होगा, जैसे आपको जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा, उसके बाद अस्थायी निवास और मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपको जमा करना होगा। अब बताती है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल पदाधिकारी राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा मतलब निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी आपके जो क्षेत्र के जो प्रखंड है वहाँ के जो CO हैं उनसे जो है यदि आप नन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो वो पत्र जो है मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं की जाति क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी महिलाएं हैं उनका जो सर्टिफिकेट है उनके पिता के नाम के पता पर ही होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। वो जब भी अपना सर्टिफिकेट बनाए तो अपने पिता के नाम से ही बनाए, पति के नाम से नहीं बनवाएं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है सामान्य प्रशासन विभाग की बिहार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/12/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर यानी जो EWS है उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों को अपनी जाति के अनुरूप
पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही आरक्षण कोटि के अंक में ऑनलाइन आवेदन संबंधित कॉलम करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप जो है उनके पास सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। यानी कहने का तत्पर है, यदि आपके पास प्रमाण पत्र अवेलेबल नहीं है तो आप आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आरक्षण कोटि का कुछ कोड दिया हुआ है, जैसे अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का SC और उनका कोड 2 है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ST 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है EBC 04, पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास BC 05 और आर्थिक रूप से कमजोर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 07। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया गया है कि जो डिसबिलिटी लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको 4% का आरक्षण मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके फॉर्म फिलअप करते समय। ये तो वही बात दिया गया है, जो महिलाएँ हैं उनको अपने पिता के नाम से जो है प्रमाण पत्र बनवाना। अब बात आती है उम्र सीमा, एज लिमिट। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे ढंग से सुनिएगा। दिनांक 1/8/2023 जो आपकी कट ऑफ टाइम है 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र सेवा 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, अधिकतम जो है जो जनरल पुरुष है उनके लिए 37 और महिला और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला 40 वर्ष, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 37 ईयर होना चाहिए। जो जनरल कैंडिडेट की महिला है उसके अलावा पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। सारणी 1 के क्रम में सारणी 2 के क्रम संख्या 3 में 20 वर्ष, यानी पोस्ट के हिसाब से आपका मिनिमम एज किसी पोस्ट के लिए 20 वर्ष है तो किसी के लिए आपका 21 है तो किसी के लिए 22 वर्ष होना जरूरी है। और एज की गणना जो है आपको 1/8/2023 को मानकर करना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन के समतुल प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्म तिथि मान होगी। जो आपका जन्म तिथि होगा, जो आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दिया होगा, वहीं आपका जो है वैलिड होगा, वहीं आपका वैलिड होगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है कि बिहार सरकार में यदि आप पहले से जॉब करते हैं तो उसके बाद आपको जो है 5 बार ऑप्शन जो है मिलेगा, यानी आप 5 ऑप्शन आपको दिया जाएगा BPSC का फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सब शारीरिक क्षमता, यानी कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए आपको परीक्षा पास करने के बाद जो है आपको स्वस्थ होना चाहिए। उसके लिए जैसा कि आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, उसके बाद आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, जैसे बिहार पुलिस सेवा में है, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद अब बात आती है कि परीक्षा फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको फी कितना पेमेंट करना होगा। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो है 600 रुपया करना पड़ेगा। जो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनको 150 रुपया और बिहार राज्य के स्थायी निवास सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिला को 150 रुपया, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 150 रुपया और अन्य सभी उम्मीदवारों को 600। यानी जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 600 लगेगा, जितने भी बिहार के SC ST और सभी वर्ग के महिला उम्मीदवारों को मात्र 150 रुपया, जो दिव्यांग है उनको भी 150 रुपया और इसके अलावा जो भी मतलब पुरुष हैं जैसे पिछड़ा वर्ग EBC BC के उनको 600 रुपया और जनरल को 600 रुपया देना होगा। इसके अलावा जो आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चार्ज है वो भी बैंक के द्वारा लिया जाएगा। अब बताती है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है तो बायोमेट्रिक रूप से 200 रुपया के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। तो आपको आधार कार्ड है तो अपना आधार कार्ड जरूर दें, मतलब ऑनलाइन आवेदन में पहचान के रूप में आपको आधार नंबर देना है और यदि नहीं देंगे तो बायोमेट्रिक फी में आपको 200 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप आधार संख्या जरूर दें। अब फिर वैसे सभी अभ्यर्थी जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, सभी महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है, भविष्य में ऐसे अभ्यर्थी और आरक्षण दिव्यांगता अस्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उस पर किसी प्रकार संदेह उत्पन्न हो तो उन्हें रियायती शुल्क के आधार पर जो है
अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यानी कहने का तात्पर्य, यदि आपने अभी दिव्यांग में टिक मार दिए या आप रिजर्वेशन में टिक मार दिए, उसके कारण क्या हुआ कि आपका फी जो है कम दिए, लेकिन बाद में आपको सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो आप अयोग्य माने जाएंगे। इसके अलावा परीक्षा अब किस प्रकार होगी, सबसे बड़ी बात आती है कि परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो परीक्षा की तैयारी हम लोग किस पर करें, उसका सिलेबस क्या होगा। तो एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना जो है, सबसे पहले आपका पीटी परीक्षा होगा भाग एक, तो इसमें आपको प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य विषय की होगी, जनरल सब्जेक्ट की होगी, जिसमें सभी प्रश्न जो होंगे आपको ऑब्जेक्टिव होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, कुल जो है 150 प्रश्न होंगे, प्रश्न जो है आपके बहुविकल्पी होंगे, प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं, जी हाँ, प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग किया जाएगा, ये 68 से BPSC ने लागू कर दिया है, 69 में भी इस बात को रखा है। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा है तो उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, यानी टोटल सीटों का 10 गुना जो है विद्यार्थियों का सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इसके अलावा इसका सिलेबस क्या होगा पीटी परीक्षा का, तो सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, सामान्य भूगोल, बिहार की भौगोलिक प्रभाग, महत्वपूर्ण नदियां, राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था, प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान और सामान्य मानसिक योग्यता के सोचने वाले प्रश्न होंगे। तो सिलेबस सेम टू सेम 68 में जैसा था वैसा ही रहेगा। इसके बाद है कि पीटी परीक्षा उत्तीर्णता अनिवार्य होगी, इसके प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जो जारी किया गया है, मिनिमम कट ऑफ 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 30 से EBC के लिए 34, अनुसूचित जाति के लिए 32, ये जो है मिनिमम, इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं कि इतना लाने से आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। अब है कि मुख्य लिखित परीक्षा, तो मुख्य लिखित परीक्षा में आपके सामान्य हिंदी 100 अंक, सामान्य अध्ययन प्रथम 300 अंक, और सामान्य अध्ययन पत्र द्वितीय जो है 300 अंक, और निबंध जो है आपके 300 अंक लिए जाएंगे, और ऐच्छिक विषय जो है आपका इसमें मिनिमम जो है अंक लाना है, जैसा कि पहला जो है पहले 68 में था सेम टू सेम। अब बात आती है बाल विकास परियोजना CDPU के लिए मुख्य परीक्षा कैसा होगा, तो इसमें भी समान हिंदी 100 अंक जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके बाद समान अध्ययन पेपर 200-300 अंक, और द्वितीय जो है 300 अंक, और इसके अलावा आपको एक ऐच्छिक विषय में जो गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र में से रखना होगा, इसमें का भी 300 अंक का जो है आपका परीक्षा होगा, और ये भी जो है विषय निष्ठ आधारित होगा, और इसकी जो है अंक की गणना की जाएगी। हालांकि आपके वैकल्पिक विषय का BPSC के जो अन्य पोस्ट है उसमें वैकल्पिक विषय जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन CDPU में आपके जो वैकल्पिक विषय होंगे उसके अंकों की गणना आपके मेरिट में की जाएगी। उसके अलावा वित्तीय प्रशासनिक प्राधिकारी के लिए भी पेपर 1 जो है विषय कोड अनिवार्य विषय सेम है, और आपके वैकल्पिक विषय में वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी का एक पेपर होगा, उसका भी गणना किया जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक में सेम वही है, समान हिंदी, समान अध्ययन प्रथम पेपर, द्वितीय पेपर और निबंध, उसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है ऑनर्स, उससे जो आपके वैकल्पिक विषय रहेंगे उसकी गणना की जाएगी। अब बात आती है कि प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा है तो अलग से जो है आपको फिर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उसके बाद आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं यदि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एकीकृत मुख्य लिखित परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा अन्य सभी पदों के लिए अंकित विषय वही रहे होंगे जो 69वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय होगा। एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विभिन्न पदों के लिए दिए गए वैकल्पिक विषय अलग होंगे, जिसमें किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र आपके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेंगे। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, अब आते हैं इंटरव्यू, तो इंटरव्यू जो है आपका, इंटरव्यू के लिए जो है 2.5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, यानी एक दो पोस्ट के लिए 5 विद्यार्थियों के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में जो भी सफल होंगे वे इंटरव्यू उनका 120 नंबर का होगा, और व्यक्तित्व परीक्षण, आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ अधिमानता का चुनाव, स्वास्थ्य परीक्षण, मेधा सूची, आप देख सकते हैं कैसे मेधा सूची का तैयार होगा। यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा, तो 15 जुलाई से अंतिम जो आपका तिथि है 5 अगस्त तक अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित यहाँ पर सूचना दी गई है, कैसे हम लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे इसका भी एक वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूँगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।